स्टूडेंट को दर्द, स्टूडेंट के दर्द को यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट के दर्द को, मेरे दर्द को भी तो जानो यार थोड़ा। बताते क्या है तेरा दर्द, बता। स्टूडेंट को, स्टूडेंट के दर्द को यूनिवर्सिटी वाले इतना हार्ड क्यों है? और कर चिट लेके पास हो। स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट के दर्द को यूनिवर्सिटी, को यूनिवर्सिटी वाले क्या जाने। अच्छा। कॉलेज के रिवाज को पेरेंट्स क्या जाने। अच्छा। होती है तकलीफ एक एक पर्ची निकालने में। अच्छा। वो कॉपी चेक करने वाले क्या जाने। बहुत मेहनत लगती थी पर्ची निकालने में। दोस्तों मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। मेहनत मुझे लगी है कि ये वीडियो बनाने में। कहां से किसको लेके आ रहा हूं मैं, मुझे पता है। और अगर आप क्यू एन ए वीडियो चाहते, एक जो पहले हमने क्यू एन ए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे आंसर्स किए थे, जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, वो आई बटन पे मैं डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम सेकंड, बहुत सारे लोगों के अभी भी मन में कई सवाल है और फर्स्ट क्यू एन ए में, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन मना कर दिए थे जवाब देने से, बट ठीक है, दिस टाइम आई हैव एग्रीड टू आंसर द क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन। अगेन पर्सनल क्वेश्चन आंसर करूँगी लेकिन इनडिसेंट क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगी। और लेकिन ये तब करेंगे जब लाइक ओकेजन बड़ा होना चाहिए, तो क्योंकि अब ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद हम फिर से एक वीडियो के लिए ला रहे हैं, तो कई लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं कि क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, और अभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लान कर रहे हैं क्यू एन ए, लेकिन 1,00,000 होने के बाद फिलहाल है 70 और 30,000 का गैप है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे ऐसे लगता है कि 30,000। देख अगर जल्दी हो गया तो क्यू एन ए भी जल्दी आएगा, तो लेकिन टाइम निकल गया ना तो क्यू एन ए कैंसिल। ये एक ऐसी स्कीम है सड़ी सी। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राउंड टू हेल की वीडियो ह्यूमैनिटी। तो ऑलमोस्ट जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं सभी ये वीडियोस देखते हैं, और मैं भी काफ़ी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राउंड टू हेल के वीडियोस का। तो शुरू करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं वीडियो के ऊपर। जब रिएक्ट करने वाले हैं राउंड टू हेल की वीडियो के ऊपर, बस एक वर्ड के लिए वापस रीशूट करना पड़ा। और निकालो पर्चियाँ एग्जाम में। वेल, मुझे शुरू करने से पहले बोलूँगी कि वैसे इनकी सबकी कॉमेडी आज मुझे लग रहा है कुछ इमोशनल टच होगा, क्योंकि टाइटल है ह्यूमैनिटी, इंसान। यार ह्यूमैनिटी से मेरे को याद आया यार, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो थोड़ी, इंसानियत निभाए, इसको फॉलो करें। अब स्टार्ट करते हैं 3। हाँ, उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी और यहाँ पे एक पॉपअप भी शो हो जाएगा आईडी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। 3, 2, 1। गरीबी, पहले से ही मेले कपड़े फकीर वकीर तो नहीं है, मैकेनिक होगा, ताला भी नहीं लगाया, अच्छा वो हिंदू, ये मुस्लिम, डेढ़ बज गया लंच टाइम, किधर गया डब्बा, लाहौल वाला कुआं, या अल्लाह असलम भाई तुम इतने बड़े हो गए, जमान हो गए, तुमसे रोजे नहीं रखे जाते, तुम घर से टिफिन पैक कराते हो और पब्लिक से चुपक के खाते हो और घर पे कहते हो आज हमारा रोजा है, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में डालेगा असलम भाई। तो भाई ऐसे लोग अल्लाह के खौफ से नहीं डरते।
घर पे क्यों नहीं खाया, यहाँ क्यों लेके आया? खुद नहीं खा रहा है, किसी के लिए लाया है। चावल टेस्टी लग रहा है। आकाश फिर से तेरा, अब कब तक यहाँ से खाना खिलाएगा मुझे तू? ओहो, और कौन खिलाएगा तू? कोई और है तेरा इस दुनिया में और अलावा? चुपचाप खाना खा ले आकाश, ड्रामे मत कर ले। तू भी तो खा, मेरा रोजा है, मैं खा नहीं सकता हूँ, तू खा। क्या लगा रखा है रोज रोज का? ये मेरा गैरेज है, कोई दरगाह नहीं। त्यागी जी कम से कम इसको खाना तो खाने दीजिए। कोई खाना वाना नहीं होगा, टाइम ओवर हो गया। चल भाई सब सब एंटी से चल काम पे लग। खाना कौन नहीं खाने देता? और हाँ सबके सब कान खोल के सुन लो, मेरे गैरेज में दोबारा से कोई आतंकवादी ना आ जा। त्यागी हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि तेरी जैसी सोच रखने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। और सुन ले आकाश, तो ठीक है ना आकाश? आकाश क्या हुआ थी? अरे अच्छा हुआ जो तेरे माँ बाप जिंदा ना, अगर आज जिंदा होते तो अफसोस कर रहे होते कि कैसे मुसलमान दोस्त बना लिया। भड़का रहा है अगू। भाई साहब बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इसका तो। फोन बहुत निकल गया इसके तो, मुश्किल है तो बचे भाई। ये लोग वीडियो निकाल रहे हैं। भाई साहब कितना खून निकल गया इसको, अस्पताल लेके क्यों नहीं जा रहे? कौन पाया पुलिस के लड़ में भाई? ना एक तो भाई साहब इसे बचा ले, अस्पताल लेके जाओ भाई। बचेगा तो है ना, जबरदस्त एक्टिंग है भाई। सभी क्या कर रहे हो आप इसको? मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, ये पुलिस कैसे आएगा? खुद ही लेके गया। असलम भाई, असलम भाई कहाँ हो गए? असलम भाई हिंदू मुसर्रफ ले, तू और उस त्यागी दोनों की सोच में रत्ती भर फर्क नहीं है। तुम जैसे लोगों ने ना हमारे भारत देश में नफरत का जहर घोल लगा। खुदा हाफिज। पैसे ही नहीं है। मैं चलता हूँ, नमाज का टाइम हो रहा। खाना वो फॉर्च्यूनर की स्टेपनी बांध दे आगे, चल जल्दी पैसे लेने आ जाते। अरे सुन पापा सर, क्या करेगा इनका सुबह? त्यागी जी वो कुछ नहीं, बस नन ऑफ योर बिजनेस। अबे सच सच बता त्यागी जी, वो आज असलम का अलविदा का रोजा ना, तो उसको अफ्तारी करवानी है। इधर
विलेन बन गया है विलेन। हेलो कौनसा नेगेटिव? ए नेगेटिव। दस रुपए भी नहीं है। चिल्ला रहे हैं अभी। सेविंग्स। एक नोट भी थी। हजार रुपए ले 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 ले। क्या हो गया आकाश? आकाश क्या हुआ? आकाश आकाश बत क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा आकाश तू? असलम कुछ ना, मैं तेरे लिए। क्या क्या मेरे लिए आकाश? क्या आकाश? असलम मैं असलम मैं तेरे लिए। मेरे लिए क्या आकाश? मैं तेरे लिए अब तारी आज का मतलब था लेकिन टूट गया। ऐसा था एक बच्चे को ब्लड की सख्त जरूरत थी तो मैंने अपना रोजा तोड़ के उसको ब्लड दिया था। एक नौजवान इसलिए लड़ रहा था। अभी हम R2H की कोई वीडियो देखते हैं तो इट्स ऑलवेज अ कॉमेडी। इसमें कहीं कॉमेडी नहीं थी, लेकिन पूरी वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, स्टार्टिंग में जो सीलिंग फैन से शुरू होता है वहाँ से लेके ये एंड तक का तीनों का हग और मिलना, यूनिटी,
पूरा वीडियो बहुत इमोशनल रहा. आई मीन आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि R2H एक इमोशनल वीडियो ला रहे हैं अब, क्योंकि अब ईद आने वाली है. ना कोई इसमें बावली ये था, ना कलवा के लौंडे थे, कोई क्लीन नीट क्लीन. और आई थिंक R2H की ये पहली इमोशनल वीडियो थी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. और बीच बीच के जो सीन्स थे और जो विद द मैसेज आई थिंक R2H has come up with a message. मैं इस वीडियो में तीन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, एक हिंदू मुस्लिम के ऊपर, एक रोज़े के ऊपर और तीसरी थी फ्रेंडशिप के ऊपर. मेरे ये तीन टॉपिक्स हैं जो मुझे इस वीडियो में जो अच्छे लगे. जैसे कि इस वीडियो में दिखाया कि हिंदू मुस्लिम का बीच में दोनों साइडों में दिखाया कि भड़काने वाले लोग होते हैं और भड़का के फ़ायदा ही लेते हैं. दूसरी चीज़ इसमें चल तू बोल. हाँ, देखा गया है कि लोग कुछ लोग भड़काते हैं उन लोगों को, जबकि जो साथ रहते हैं वो लोग बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं. ये मैंने भी देखा है कि दे लिव हैप्पीली और जब दे लिव टुगेदर एंड दे लिव हैप्पीली और पीसफुली भी. तो जब साथ में रहते हैं और पीसफुली रह सकते हैं तो वहाँ पे पीस और बढ़ाना चाहिए, ह्यूमैनिटी भाईचारा और बढ़ाना चाहिए. ये दोनों पक्षों के लिए है, ये दोनों क्या और भी कोई दूसरी तीसरी चौथी कम्युनिटी है तो उनके लिए भी है कि मैं इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है और सबको अपनाया है. यहाँ पे हमें बहुत कुछ, हर अलग अलग जात का, अलग अलग पंथ का हमको कल्चर जानने मिलता है, देखने मिलता है और इंजॉय करने मिलता है. फेस्टिवल हमारा हो या किसी और का और रिलीजन का, वो सब यहाँ पे एक साथ. ये एक कंट्री है जो सब कुछ एक साथ इंजॉय करता है, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है. और जो दो टाइप के लोग दिखाए जो भड़काते हैं ऐसे लोगों को, ये भड़काने वाला काम कम से कम ये ना यहाँ से शुरू होता है, सारा यहाँ से शुरू होता है. यहाँ से वो मेंटालिटी, ऐसा बुरा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, ये मैं सबको कह रही हूँ. और सेकंड थिंग, जो गैरेज में मैकेनिक था उसकी गरीबी दिखाई तो मुझे ध्यान आया कि ऑफकोर्स हमारा कंट्री GDP में बहुत हाई रैंक करता है, बहुत आगे तरक्की कर रहा है, कहीं कहीं जो छोटे से परसेंटेज में अभी भी पॉवर्टी या ऐसे लोग हैं उनको लेके मैं बहुत दया तो आ रही थी. बट गुड थिंग वॉज कि वो हार्डवर्क कर रहा था बंदा, ही वॉज वर्किंग हार्ड और हार्डवर्क कर रही, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल बेगर्स का भी बिजनेस हो गया है तो बैगर्स को लोगों ने देना बंद कर दिया, बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये तो उनका बिजनेस. मैंने आज ही एक वीडियो देखा था फेसबुक पे कि एक बच्चा था, वेल्ड फैमिली से था, पर स्कूल की वेकेशन है तो एज अ छुट्टी है, भीख मांग रहा हूँ. एक उसका पार्ट टाइम भीख मांगते, पापा उसके बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी भीख मांगता था. तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन जो भीख मांगना. तो वो अब लोग भी समझते हैं और लोगों ने वो चीज़ वो समझ के बिजनेस में वो देना बंद कर दिया है. पैसा कमाना है चाहे हो चाहे नहीं हो, मेहनत करके कमाओ. वो जो ह्यूमैनिटी उस गैरेज वाले की दिखाई गई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इंसानियत दिखाई गई. इंसानियत यहाँ पे थी कि जब पहले उसका एक्सीडेंट होता है तो वो उसकी हेल्प करता है और वो इंसानियत ही दो लोगों को जोड़ती है. तो उस टाइम अगर उसको छोड़ दिया होता तो बाद में जैसे खून की जरूरत होती तो वो एक लाइफ होती, तो अगर हेल्प नहीं करते तो दो जनों की लाइफ खत्म होती. कहते हैं कि कर्म बहुत पावरफुल होता है, यही मिलता है. मुझे नहीं पता दूसरे तीसरे जन्म में वो मिले ना मिले, पर मुझे लगता है यही का यही मिल जाता है. और अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है या बुरा भी किया है वो आपको रिवर्स होके वापस आएगा और आएगा. तो गुड थिंग्स, गुड डीड्स नेवर गो इन वेन, वो वापस आएंगी आपके पास. और रमज़ान का टाइम है तो रमज़ान में ऐसा होता है कि और एक चीज़, उसने ब्लड डोनेट किया तो अपना रोज़ा तोड़ के उसने ब्लड डोनेट किया, उसने इंसानियत को किसी भी चीज़ इंसानियत को अपने धर्म से ऊपर रखा, वो भी एक नोटेबल पॉइंट रहा. तो एनीथिंग एक क्वेश्चन लोग अक्सर करते हैं, मैंने भी सुना है, देश बड़ा या धर्म.
देश ऑफ कोर्स देश और इंसानियत बड़ी है धर्म इंसानियत मतलब दोनों चीजों में धर्म पीछे हो जाता है yes. और बात करते हैं कि क्या बात कर रहा था रोजे रोजे की बात कर रहा था मैं कि ये रोजे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ खाते नहीं है जितना हमें पता है कि उसमें कुछ खाते नहीं है पीते भी नहीं है शायद पीते तो बिल्कुल नहीं है सनसेट के बाद से लेके सुबह के नमाज तक खा सकते हैं तो ये ऐसे इसको क्या बोलते धर्म और इसको रिलीजियस रिलीजियस के अलावा ये साइंटिफिक भी होती है चीज़ें कि हिंदू धर्मों में फास्ट होता है और इसमें रोजे होते हैं उपवास फास्ट यू नो मैं वही कहती हूँ कि हमको डाइवर्सिटी पर अल्टीमेटली चीज़ वही होती है हर धर्म बोलता तो यही है यहाँ यहाँ उपवास होते हैं नवरात्रि के उपवास होते हैं वगैरह वगैरह दूसरे दूसरे उपवास होते हैं तो यहाँ रमज़ान में रोजे होते हैं चीज़ वही है कि उपवास रखना है साइंटिफिक इसकी ये चीज़ है कि जो फास्ट रखने से होता है ना वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव इम्यून सिस्टम बढ़ाता है पॉजिटिव जैसे रोजे भी रखते हैं तो उस टाइम पे जो फास्ट रखते हैं या रोजे रखते हैं उस टाइम पे वो काफ़ी पॉजिटिव उसकी बॉडी चीज़ें जनरेट करती है ये मैंने साइंटिफिक टॉक्सिस जो भी है उसको निकाल देती है और बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ती है तो बहुत फ़ायदा होता है इसका फिजिकली ऐसे भी और रिलीजियस तो ऐसे मान्यता होती है तो जो भी धर्म है सब धर्म तो यही कहते हैं कि जब भी उनका कोई रिलीजियस ओकेजन आ रहा होता है हर धर्म अल्टीमेटली हर धर्म तो यही अल्टीमेटली यही कहता है कि अभी हम कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे तो हाँ इसमें वसीम को आई थिंक नेगेटिव रोल में दिखाया गया एंड एंड वो हो गया बदल गया लेकिन थोड़ी जो इस वीडियो में एक्टिंग थी सभी कलाकारों की एकदम अव्वल दर्जे की मैच्योर एक्टिंग थी सिर्फ कौन था ये त्यागी वसीम की थोड़ी मैं बोलूँगा 90-80% रह गई एक्टिंग उसकी मतलब मुझे ऐसा फील 90% रह गई मतलब 90-80% रह गई मतलब सब 10-20% की नहीं 90-80% रह गई मतलब वो थोड़ा रह गया मतलब जो चीज उसमें जितनी सब चीजों ने जैसे वो गैरेज वालों की एक्टिंग थी या उसकी थी वो दोनों एकदम परफेक्ट अपने एटीट्यूड रोल पूरा मैच्योरिटी के साथ उनका इस वीडियो में लगा मुझे मैच्योर्ड रोल में जहाँ कॉमेडी इनकी बेसिक कॉमेडी नहीं थी एक मैच्योर्ड रोल्स थे तो ये एक मैच्योर्ड रोल्स में तीनों आए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खराब एक्टिंग थी मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी रह गई कमी कहाँ मुझे थोड़ी सी दिखाई दी क्योंकि पूरी वीडियो एकदम 100 फुल टू फुल राउंड 12 की मैं बोलूँगा कि अब तक की मुझे सबसे बेस्ट वीडियो लगी ये मुझे एक डिफरेंट लगी क्योंकि और मुझे लगा कॉमेडी होगी कॉमेडी के बीच में ये कहीं इमोशनल डायरेंगे मतलब इन्होंने तो पूरी इमोशनल बनाई है तो इन्होंने एक बार इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की और उसके लिए उनको हैंड्स अप थम्स अप वेल आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें शेयर वर्थ करती है ये वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो